नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य शुक्र युति फल की, कि जब भी जन्म कुंडली में सूर्य व शुक्र एक साथ किसी भी भाव में बैठे हुए हो तो वह किस प्रकार का रिजल्ट करते हैं। देखिए यहां पर हम युति फल ग्रहों के कारक तत्वों के आधार पर बता रहे हैं, किसी भी भाव को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। और युति फल के लिए और जो हम बता रहे हैं कारक तत्वों के आधार पर, जितने ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रहों के कारक तत्व पता होंगे उतने ही ज्यादा से ज्यादा आप रिजल्ट बना सकते हैं। देखिए हमने यहां पर कुछ सूर्य के कारक तत्व लिए हैं और कुछ शुक्र के कारक तत्व लिए हुए हैं, वह भी संक्षिप्त रूप से, क्योंकि ग्रहों के कारक तत्व तो सैकड़ों हैं, परंतु यहां पे हम कुछ संक्षिप्त कारक तत्व लेके उनको मिक्स करके कुछ रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, वह भी सरल रूप से। देखिएगा, देखिए पहले हम चलते हैं सूर्य पे कि सूर्य किन किन चीजों के कारक है। देखिए सूर्य आत्मा के, शक्ति के, पिता के, राजा के, उच्च स्तरीय वर्ग के लोग में हमारे वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी वर्ग के अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के लोग आते हैं। हृदय, हार्ट, हड्डी, प्रकाश, ऊंचा स्थान, पूरब दिशा, माणिक्य, यश, सम्मान व गर्मी, इसके कारक हैं सूर्य महाराज। अब चलते हैं शुक्र महाराज पर। शुक्र महाराज पत्नी के, पुरुष विवाह कारक, महिला जीव कारक, सुहागिन स्त्री, धन, महालक्ष्मी, विलासिता का सामान, वीर, रज, मूत्र, सफेद रंग, चांदी, हीरा, गाय, गाल, कपूर, चीनी, सवारी, गाड़ी, कलाकार, सुगंध, संगीत, सिनेमा, कंप्यूटर एनिमेशन, फैशन डिजाइनर, रसदार फल व कलात्मक कार्य, इन सभी के कारक हैं शुक्र महाराज। अब यहां पे देखिए हम सूर्य महाराज और शुक्र महाराज के कारक तत्व लेंगे, इनको मिक्स करेंगे और कुछ सरल रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए युति फल कहने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमें कुछ युति फल कहने से पहले हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो भी ग्रह युति कर रहे हैं उनकी डिग्रियों को जरूर देखना चाहिए, जितना उनमें नजदीकी डिग्री वाइज संबंध होगा उतना ही डिग्री का फल बेहतर और ज्यादा घनिष्ठता से मिलेगा। अगर मान लीजिए डिग्री वाइज उनके बीच में कोई अन्य ग्रह आ गया तो वह युति फल में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर कर देगा। उसके बाद उस युति फल में जो ग्रह युति कर रहे हैं उस युति में जैसे अन्य ग्रहों का प्रभाव आता है उस युति में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मित्र ग्रहों का या शुभ ग्रहों का प्रभाव युति में सकारात्मकता देता है, वहीं पे शत्रु ग्रहों का या अशुभ ग्रहों का जो प्रभाव है युति में नकारात्मकता देता है। उसके बाद में आप यह देखिएगा कि युति फल में ग्रह जो है अपनी स्वराशि, अपनी उच्च राशि में अच्छे परिणाम देते हैं, मित्र राशि में सामान्य परिणाम व शत्रु तथा नीच राशि में अच्छे फल नहीं देते हैं। तो हमें इन कुछ बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद कारक तत्वों को मिक्स करके रिजल्ट बताना चाहिए। देखिए यहां पे एक चीज और भी है कि अगर मान लीजिए यह युति तुला राशि में होती है तो तुला राशि में शुक्र महाराज तो स्वराशि हो जाते हैं और सूर्य महाराज नीच राशि में हो जाते हैं, परंतु शुक्र महाराज की वजह से सूर्य महाराज का नीच भंग हो जाता है। हमें यह सब चीज देख के युति फल को कहना चाहिए। अब देखते हैं कि सूर्य और शुक्र की युति कैसा फल दे सकती है, इस चीज पे चर्चा करते हैं। देखिए जब यह युति मिले तो कैसा फल हो सकता है कि पिता के पास अच्छी धन संपदा हो सकती है। क्या कारण है? सूर्य पिता के कारक हैं और धन के कारक शुक्र महाराज हैं। पिता
सुंदर, कला प्रेमी, गीत संगीत प्रेमी हो सकते हैं। कारण क्या है? पिता के कारक सूर्य महाराज और सुंदरता के गीत संगीत और कला के कारक हैं हमारे शुक्र महाराज। उसके बाद आगे चलते हैं कि पिता का कार्य कुछ इस प्रकार का हो सकता है जहां पे धन से संबंधित ट्रांजैक्शन होती हो, जैसे कि हमारे बैंकिंग है या फाइनेंस का कुछ काम है, या फिर महिलाओं के जो कुछ आइटम्स हैं उनसे संबंधित कुछ काम, या जहां पे लग्जरी आइटम्स का लेन देन या ट्रांजैक्शन होती हो कुछ ऐसा काम, कंप्यूटर एनिमेशन का काम, कला से संबंधित काम, होटल का या सिनेमा घर से संबंधित कुछ काम, या कह सकते हैं कि जो हमारे शुक्र से संबंधित जो कारक तत्व हैं उनसे जुड़े कुछ काम पिता कर सकते हैं। हालांकि कारक तत्व सैकड़ों हैं, हम यहां पे कुछ हमने कारक तत्व लिए और पिता के कार्य से जोड़ने का प्रयास किया, तो इस प्रकार के कार्य पिता कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं कि जो जातक की पत्नी है वह एक अच्छे परिवार से हो सकती है। क्या कारण है? पत्नी के कारक शुक्र महाराज और एक मान सम्मान और यश के कारक हमारे सूर्य महाराज हैं। उसके बाद में पत्नी का घर में मान सम्मान हो सकता है। पत्नी स्वभाविमानी या पत्नी के अंदर कुछ अहम हो सकता है। क्या कारण है? पत्नी के कारक शुक्र महाराज, वहीं पे मान सम्मान के, यश के, स्वाभिमान के, अहम के जो कारक हैं सूर्य महाराज हैं। अगर वहीं इस युति पे गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाए तो मान सम्मान को बढ़ाने वाला और अहम को कम करने वाला शुभदायक फल होगा, क्योंकि शुभ ग्रह का प्रभाव उस फल में सकारात्मकता प्रदान करता है। उसके बाद में इस युति में जातक को पुत्र संतान प्राप्ति में कुछ कष्ट हो सकता है। क्या कारण है? जो शुक्र है वीर्य के कारक है और सूर्य महाराज गर्मी के कारक हैं। इस युति की वजह से गर्मी से वीर्य जल जाता है, इसकी वजह से पुत्र संतान प्राप्ति में कष्ट, या बहुत से उपायों के बाद पुत्र संतान की प्राप्ति, कम संतान, और मान लीजिए गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव अगर हो तो कम कष्ट होता है। वहीं पे अगर यह युति महिला जातक की कुंडली में हो तो वहां भी संतान उत्पत्ति में कुछ ना कुछ कष्ट होता है। क्या कारण है? शुक्र महाराज रज के कारक हैं, सूर्य महाराज गर्मी के कारक हैं। उस गर्मी की वजह से गर्भ ठहरने में समस्या होती है, तो इसकी वजह से बार बार गर्भपात होना, कम संतान होना, संतान होने में कष्ट होना, संतान उत्पत्ति में समस्या होना, ऐसी चीज होती है। परंतु वहीं पे एक बात फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव कष्ट को कम करने वाला होता है। उसी प्रकार से इस युति में अगर पुरुष जातक की कुंडली में युति हो तो पत्नी को यूरिन संबंधी समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार से क्यों हो सकती है? क्योंकि जो शुक्र महाराज मूत्र के कारक हैं, यूरिन के कारक हैं, और सूर्य और शुक्र महाराज की मित्रता तो है नहीं, वहीं जो सूर्य महाराज गर्मी के कारक हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कष्ट दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप इस युति के और भी बहुत सारे फल बता सकते हैं। हमने यहां पे कुछ संक्षिप्त फल आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा
अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।